हाय गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको केक बनाना बताएंगे। चॉकलेटी केक बनाएंगे आज इस वीडियो में, और आपको हम चूल्हे पे बना के दिखाएंगे। आज हम मेरा केक बनाने का यही मकसद था कि जो लोग गांव में रहते हैं, अगर उनके पास मान लीजिए इतने गैस तो सबके पास अगर ना हो तो वो कैसे बनाए, तो आज हम उसी लिए आपको बताएंगे। और बिल्कुल आसान तरीके से हम चूल्हे पे बनाएंगे, और चूल्हे पे बनाने का चॉकलेट तरीका का हम आपको बताते हैं। तो पहले अपने जो ड्राई हमारा सब सामान है उसको पहले छान लेते हैं। तो उसके लिए हम ये कप लिए हैं, मेजरिंग कप। आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस तरह का कप ले लीजिए, या इस तरह का कटोरी ले लीजिए, आप इसी से मेजर करिए। इसे हम दो कप लेंगे मैदा, ये देखिए एक कप और लेंगे। देखिए दो कप हमारा मैदा हो गया। यहीं पे लेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और यहाँ पे हम लिए बेकिंग पाउडर, ये जो आता है खाने वाला बेकिंग पाउडर, छोटा एक चम्मच भर के। बेकिंग सोडा है जो छोटा एक मतलब छोटा चम्मच का आधा चम्मच लेंगे। और इसके बाद यहीं पे कोकोआ पाउडर डालेंगे, और यहीं पे एक चम्मच और भर के कोकोआ पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए चॉकलेटी केक बनाना है। चॉकलेटी केक के लिए हमें कोकोआ पाउडर चाहिए। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप कॉफी पाउडर भी लेके आप उससे भी बना सकते हैं। और इसको अच्छे से छान लेते हैं। छानने से ये होता है गाइस कि हमारे जितने भी इसमें लम्स होंगे या गुठलियां होंगी, छानने से वो सब अलग हो जाते हैं। थोड़ा हमारा बैटर जो फ्लफी बनता है, और बिल्कुल हम आपको चूल्हे पर बनाने का बताएंगे, क्योंकि हम आपको गैस पे बनाना बता चुके हैं, भगोने में बनाना बता चुके हैं। आज भी हम भगोने में ही बनाएंगे और चूल्हे पे बिल्कुल बनाएंगे, ना ही हम गैस का यूज करेंगे, ना ही ओवन का, ना ही केक मोल्ड का। भी सब कुछ आपके घर के सामान मिलने वाला सामान यूज करेंगे, जो घर के हमारे सामान मिलता है। और ये देखिए ये जो बच्चा, इसको हटा देते हैं और इसको देखिए मिक्स कर लेते हैं। जो हमारा सारा ड्राई चीजें था उसको हमने मिक्स कर लिया है, ये हमारा बन गया। अगर आप चाहें तो ऐसे बना के आप रख सकते हैं, जब आपका केक बनाने का मन हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना देखते हैं। हम ये तो हमारा सूखा है, और हम अब क्या क्या इस्तेमाल करेंगे वो बताएंगे आपको। और ये देखिए गाइस, हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो लेंगे वो हम आपको बताते हैं। हमने इसी कप से मेजर किया था, तो हम इसका चौथाई कप ऑयल लेंगे। ये देखिए इसका हम चौथाई कप ऑयल लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहीं पे हम दूध ऐड करेंगे। आप पानी से भी बनाना चाहते हैं तो पानी से भी बना सकते हैं। अगर वीडियो आप उसका देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, हम पानी से भी बनाने का वीडियो दिखाएंगे आपको। और ये देखिए हमने भर के एक कप दूध डाला, इसमें कम पड़ेगा तो बाद में और डालेंगे। जब हमें कम लगेगा कि हमारा दूध कम है तो बाद में और इस्तेमाल कर लेंगे। और यहीं पे कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं वनीला एसेंस का, ज्यादा नहीं बस कुछ ड्रॉप्स। और ये देखिए कुछ ऐसा वनीला एसेंस आता है। और यहीं पे हम चीनी ऐड करेंगे उसी कप से। और हम इसमें सिर्फ एक कप डालेंगे चीनी, हम सिर्फ एक कप चीनी डालेंगे, क्योंकि हमने मैदा सिर्फ दो कप लिया है, ज्यादा हमने मैदा नहीं लिया है, उसी के अनुसार चीनी डालेंगे। मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये जो चीनी है गैस, घर का ही चीनी है, जो घर का चीनी होता है उसे हमने मिक्सर ग्राइंड में डाल के ग्राइंड कर लिया अच्छे से, उसी के अनुसार हम बना रहे हैं। हम आपको कप भी बनाना घर के तरीके से बताएं कि हम घर के तरीके से कप कैसे बनाएंगे। और जो ड्राई इंग्रीडियंट्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ये देखिए हमने ऐड कर लिया, अब इसको चला लेते हैं। एक ही साइड चलाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, दोनों तरह से नहीं चलाएंगे, एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, तो हमारा केक है जो अच्छा और फ्लफी बनेगा, और इसमें जो लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये देखिए गाइस, हमने सिर्फ एक कप दूध लिया था उसी कप के जिससे हमने मैदा मेजर किया हुआ था, और उसी में हमारा हो गया। अब हमें नहीं चाहिए दूध, क्योंकि हमें ज्यादा अपना बैटर जो पतला नहीं बनाना है। और इसको इतना फेटेंगे कि हमारा जो है अच्छे से फेट जाए, इसमें एक ही लम्स और गुठलियां ना रहे। जितना ही अच्छे से हमारा फिटेगा उतना ही अच्छा हमारा जो है केक बन के तैयार होगा। और इसमें आप चाहें तो
मतलब विनेगर ऐड कर सकते हैं सब कुछ फेंटने के बाद। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप आधा नींबू लीजिए, उसका एक चम्मच रस निकाल लीजिए और एक चम्मच आप छोटे चम्मच का नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और जो वनीला एसेंस होता है गैस, वो फ्लेवर के लिए होता है कि ताकि इसमें फ्लेवर है जो अच्छा आ सके, इसलिए हम वनीला एसेंस ऐड करते हैं। और ये देखिए हमें कुछ ऐसा ही केक का चाहिए, हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। हम आपको जैसे मेजर करना बताएं आप उसी तरीके से मेजर करिए, आपका परफेक्ट केक बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। देखिए रिबन जैसा गिर रहा है वैसा ही हमें चाहिए। चलिए तब तक हम अपना केक टिन तैयार कर लेते हैं। हमने गैस चूल्हे पर अपना पतीला है जो रख दिया है गर्म होने के लिए, प्री हॉट होने के लिए। जब तक से चूल्हे पर हमारा जो ओवन है मतलब हमारा जो पतीला है वो प्री हीट हो रहा है, तब तक से हम अपना जो केक टिन है उसे तैयार कर लेते हैं। इसे साइड हटाते हैं। और ये देखिए गैस हमने घर का ही लिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऑयल गिराएंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बस इतना ही सा, और इसको चारों तरफ से इसको हम लगा देंगे। और ये देखिए गैस हमने अपना केक टिन तैयार कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के हम इसको डस्टिंग कर लिए हैं, अच्छे से हमारा हो गया है। चलिए अब हम अपना जो तैयार किया है बैटर वो इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और फेंट लेते हैं इसको। कुछ डाल देते हैं वनीला एसेंस का, बस इतना ही डालेंगे इससे ज्यादा नहीं, और तुरंत इसको मिक्स करेंगे, ज्यादा ओवर नहीं मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा इसका आ गया टेक्सचर। मिक्स करने के बाद तुरंत हम डाल देंगे इसको अपने जो हमने केक टिन तैयार किया हुआ है उसमें। और ये देखिए हमारा केक टिन है, हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए गैस इसको थोड़ा टैप टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जो जितने भी हमारे एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। और ये देखिए इस सबको अच्छे से हम इसको टैप कर लेते हैं, देखिए साइड से सारा एयर बबल्स निकल गया। और ये देखिए गैस हमने चूल्हे पर रखा हुआ है अपना पतीला, अब उसको देख लेते हैं हमारा पतीला जो प्री हीट हो गया है कि नहीं, तो चलिए हम उसको देखते हैं। ये देखिए हमने पतीला रखा हुआ है चूल्हे पे और हमारा आंच है जो बिल्कुल भी मीडियम है। और एक बार चेक कर लेते हैं ढक्कन हटा के कि हमारा पतीला जो प्री हीट हुआ है कि नहीं। और ये देखिए गाइस हमारा जो पतीला है बिल्कुल प्री हीट हो गया है और हमने इसमें एक स्टैंड डाला हुआ था। और सावधानी से इसमें हम अपना केक का जो बैटर वो रख देते हैं, उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाएंगे, ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे और आंच को बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे। और हम आपको दिखाएंगे कि चूल्हे पे हम केक कितना आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इसको हम 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ढक्कन हटा के चेक भी नहीं करेंगे कि हमारा केक कैसा हुआ है, नहीं तो जो हमारा केक है वो फूलेगा नहीं और अच्छा फ्लफी सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम इसको 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं, 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस का आंच मीडियम कर दीजिए, मीडियम टू स्लो पे पकाइए, हाई पे नहीं। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन का 180 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे पकाइए 20 से 25 मिनट तक। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं 20 से 20 मिनट के बाद। और ये देखिए गैस 20 मिनट बाद हम इसको दिखते हैं घर के। वाओ ये देखिए हमारे चूल्हे पे कितना अच्छा केक फूला हुआ है और कितना फ्लफी है। एक हम टूथ पीस लेते हैं ऐसा, ये देखिए एक बार इसको सेंटर में डाल के चेक करते हैं कि हमारा केक है जो पका है या नहीं। तभी देखिए अभी हमारा केक है जो अभी गीला है, तभी इसको ढक देते हैं। अभी ढक कर इसको हम 5 मिनट तक और ऐसे ही रहने देंगे, 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए गाइस हम 5 मिनट बोले थे, 5 मिनट के बाद फिर हटा के देखते हैं कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल पक चुका है या नहीं। और ये देखिए ऐसा कुछ टूथ पीस लेंगे और फिर एक बार इसको डालते हैं अंदर, फिर चेक करते हैं। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है और हमारा जो है केक बन के बिल्कुल परफेक्ट एकदम तैयार हो गया है। देखिए दूसरी जगह भी डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब अपने जो है इसको नीचे उतार लेते हैं और हमारा जो आपको हम गैस जो अपना चूल्हे का आंच रखे हैं वो भी हम दिखाएंगे कि हमारा जो चूल्हे का आंच है बस बिल्कुल एकदम मीडियम आंच पे हमने पकाया है, इसीलिए हमारा केक जो बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा बिल्कुल चूल्हे का आंच मीडियम है और बहुत अच्छा हमारा केक बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए गैस हम थोड़ा सा इसको पतीले से बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो केक है वो ठंडा हो जाए। और ये देखिए हमने बिल्कुल कोई नमक नहीं डाला है, कोई चीज नहीं डाला, बस हमने एक सिर्फ स्टैंड डाला था। स्टैंड को सावधानी से निकालेंगे, बहुत गर्म है। और ये देखिए
और ये देखिए हमारा पतीला जो बिल्कुल एकदम साफ है, कहीं से कुछ नहीं, इसमें दाग ना कुछ भी नहीं हुआ है। और देखिए कितना हमारा पतीला चिकना है, और पीछे हमने ये मिट्टी का जो है वो लगाया हुआ था, तो इसको हम लोग छुड़ा लेंगे और ठंडा होने देते हैं। इसको साइड हटाते हैं और ये देखिए हमारा जो केक है इसको ठंडा होने देते हैं, फिर डिमोल्ड करके दिखाएंगे आपको कितना आसानी से हमारा केक डिमोल्ड हो जाता है। और ये देखिए कितना इसके अंदर स्पॉन्ज भरा हुआ है, ये देखिए हम सिर्फ दबा रहे हैं और फिर गाइस देखिए कितना अंदर इसके स्पॉन्ज भरा हुआ है। बहुत अच्छा हमारा केक बन के तैयार हुआ है, और वो भी चूल्हा पर हमने आपको बनाना केक बताया है। और चलिए अब इसको, और गाइस जब हम अपना बेस बना लिए, देखिए हमारा कितना अच्छा बेस बन गया है, तो हम अपना क्रीम है जो क्रीम लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये थोड़ा सा अंदर से जो दब गया है क्योंकि हमने ढक्कन उघाड़ के एक बार चेक किया था, इसकी वजह से अगर हम ढक्कन नहीं उघाड़ते तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट केक बनता है। क्योंकि वीडियो में देखिएगा हमने जब आपको पहली बार दिखाया बहुत परफेक्ट हमारा केक बना है, तो अब इसको ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इस पर कोई मोटा सा कपड़ा ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो ये है ड्राई ना हो, और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के बाद, फिर इसको डिमोल्ड करेंगे। और इसको गाइस हम डिमोल्ड कर लेते हैं, और ये देखिए इसमें थोड़ा सा जल रहा है इसलिए उतरना से हम थोड़ा सा इसको हाथ से प्रेस कर ले रहे हैं। और देखिए कितना अच्छे से हमारा डिमोल्ड हो गया है, बिल्कुल भी वाव। ये देखिए गाइस हमारा कितना अच्छा और परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी एकदम अच्छा सा। और ये जला नहीं है गाइस क्योंकि हमने ये चॉकलेट केक बनाया हुआ है, इसलिए आपको नीचे से ऐसा लग रहा है। और ये देखिए वाव कितना अच्छा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। और हम आपको अपना दिखाते हैं जो केक टिन है हमारा, वो देखिए बिल्कुल कितना क्लियर निकला है, एकदम बिल्कुल भी साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। और देखिए हमने चूल्हे पे ये केक बनाया है और कितना अच्छा और कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए गाइस हमने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया हुआ है, इसका हम जो ये आता है हमारा ये 500 ग्राम का है, तो हम इसमें का आधा यूज करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर से इसको गार्निशिंग करके दिखाएंगे कि हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है। तो हम अगर इसका आपको देखना है वीडियो कि ये कितने का आता है, क्या इसका प्राइस है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उसका वीडियो आपको बना देंगे। और ये देखिए गाइस हम जो केक अपना ले लिए हैं, अब हमने ये चॉकलेट को जो पिघलाया है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, हम चॉकलेट को पिघला लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े में काट के, और इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद हमारा देखिएगा केक देखने में कितना टेस्टी और यम्मी लगेगा। इसको चारों तरफ से एकदम डाल देते हैं अच्छे से। और ये देखिए गाइस हमारा कितना अच्छा केक का कलर आ गया और कितना अच्छा देखने में लग रहा है, बिल्कुल टेस्टी। और हमने बिल्कुल आसान तरीके से सजाया है इसको, और इसको देखिए पूरा हम इसको कवर कर देते हैं अच्छे से, और बहुत ही अच्छा हमारे केक में है जो चॉकलेट केक हमारा बन के टेस्टी और यम्मी तैयार हो गया है। और इसको हम लोग फ्रीज में रख देंगे, उसके बाद हम आपको कट करके दिखाएंगे। और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर और भी चीज आपको कुछ देखनी है चूल्हे पे पका हुआ कि चूल्हे पे कैसे पकाते हैं, जो चीज आपको नहीं आता है, तो वो हम सब चीज का वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। और ये देखिए गाइस हमारा बिल्कुल फ्रीज से निकलने के बाद टेस्टी और यम्मी हमारा केक बन के तैयार हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाय गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको चॉकलेट केक बनाने का रेसिपी इसमें नहीं बताएंगे, बस हम दिखाएंगे कि कैसा चॉकलेट केक हमारा बना है। ये देखिए हमने चॉकलेट केक बना के भगोने में तैयार किया, वो भी चूल्हे पर, और इसको डेकोरेट भी किया, बहुत अच्छा बना है। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करिए, उसका पूरा वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।